हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिम मैथ्स ब्लॉग। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर क्वेश्चन इज 2 टू द पावर a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 माइनस a। सो माय डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सॉल्व करके a का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालना चाहिए आज तुम लोग को इस वीडियो के माध्यम से स्टेप टू स्टेप सॉल्व करके बताऊंगा स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन क्या है, यहाँ पर देखो 2 टू द पावर a माइनस 1 एंड राइट साइड में क्या है 3 टू द पावर 1 माइनस a। तो तुमको सिंपली क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो पावर क्या है a माइनस 1, यहाँ पर पावर क्या है 1 माइनस a, तो बोथ पावर को तुमको सेम करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए लेफ्ट साइड को तुमको सेम तुमको लिखना होगा 2 टू द पावर a माइनस 1, सेम कॉपी करो। और राइट साइड को तुमको क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो 1 माइनस a, तो इसको क्या करना चाहिए a माइनस 1 में तुमको कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब a माइनस 1 फॉर्म में लिखना होगा। तो इसलिए तुमको क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, तो यहां से तुमको माइनस कॉमन लेना चाहिए, माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर तुमको लिखना होगा माइनस कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर में लिखना होगा a माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आफ्टर दैट यहां पर देखो माय डियर स्टूडेंट, a टू द पावर माइनस n का फॉर्मूला यहां पर तुमको अप्लाई करना चाहिए। तो a टू द पावर माइनस n का फॉर्मूला क्या है 1 बाय a टू द पावर n। ठीक है, तो इस फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, तो 2 टू द पावर a माइनस 1 तुमको फिर से लिखना होगा इज इक्वल टू, इसको लिखना होगा 1 बाय, तो पावर नेगेटिव है तो इस फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1 बाय 3 टू द पावर a माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट यहां पर तुमको क्या करना चाहिए माय डियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिलेगा, यहां पर राइट लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2 टू द पावर a माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट यहां पर देखो पावर सेम है, बेस डिफरेंट बट पावर सेम, तो उस फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना चाहिए, मतलब a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m का फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना चाहिए, बेस डिफरेंट बट पावर सेम, तो उस टाइम क्या होगा a इंटू b होल टू द पावर m, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला यहाँ पर तुमको अप्लाई कर देना चाहिए। तो इस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने के बाद क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा 2 इंटू 3 होल टू द पावर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट, तो 2 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, तो 6 टू द पावर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट तो यहाँ पर देखो राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या है बेस कितना है 6, राइट साइड में क्या है सिर्फ 1, तो 1 को तुमको क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है a टू द पावर 0 मतलब 1, तो 1 का प्लेस में तुमको लिखना होगा 6 टू द पावर a माइनस 1, तुमको फिर से कॉपी करो और राइट साइड में हो जाएगा 6 टू द पावर 0। ठीक है, तो 6 टू द पावर 0 मतलब 1, तो इसलिए 1 का प्लेस में 6 टू द पावर 0 तुमको लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट बेस सेम हो गया बोथ साइड में, तो इस फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना होगा, कौन सा फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट, a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है m इज इक्वल टू n, जिस टाइम बेस सेम हो जाएगा बेस कैंसिल हो जाएगा पावर तुमको लिखना होगा, यहाँ पर देखो बेस सेम तो बेस कैंसिल हो जाएगा, पहले m इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो यहाँ पर तुमको 6 सेम है तो 6 कैंसिल होगा तो सिर्फ तुमको पावर लिखना होगा, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट a का वैल्यू कितना आएगा, a इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट आवर आंसर इज कंप्लीट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस ट्रिक सो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।